प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण ठुकराने के बाद सवालों के घेरे में आई कांग्रेस कह रही है कि शंकराचार्य भी अयोध्या नहीं जा रहे हैं, क्या उन्हें भी सनातन विरोधी कहा जाएगा। और अब अखिलेश भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं और अब उल्टा बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चारों शंकराचार्यों की बात को झूठा करार कर दे वो असल में धर्म विरोधी होता है। जब चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये विधि विधान से नहीं हो रहा, धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा, तो बताइए कौन है धर्म विरोधी। ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। जब चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे तो क्या आप उनको धर्म विरोधी कहेंगे। रही बात न्याय यात्रा की, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि न्याय यात्रा के एक एक कदम पर उसको आईना दिखाया जाएगा और आईने में जो चेहरा दिखेगा वो भारतीय जनता पार्टी देख नहीं पाएगी। है तो अगर देश के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा है, उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे किसी बात को लेकर, मनीष मुंडी हटवा, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं वो है? तरफ कर ला, वो तरफ। जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं इनका बस चले, तो हमारे जो पूजनीय सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। देखिए शंकराचार्य हमारे शास्त्राचार्य है, हम शंकराचार्य जी को हमेशा फॉलो करते हैं, धर्म के बारे में उनकी बात हम मानते हैं। इस देश के चार शंकराचार्य ने अयोध्या जाने से इनकार किया है, क्योंकि जो अयोध्या का जो राम मंदिर है वो आधा अधूरा है और उनका लोकार्पण शास्त्र के आधार पर नहीं है, फिर भी देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से ये हो रहा है। तो मुझे लगता है पांचवें शंकराचार्य हमारे मोदी जी हैं और चार शंकराचार्य के वो प्रमुख है, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि ये सब ठीक है, उनका हिंदुत्व जो है वो शास्त्र के आधार पर नहीं होगा, हमारा संस्कार संस्कृत और हिंदुत्व जो है वो शास्त्र के आधार पर है। लेकिन इन सवालों के बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस को निशाना बना रही है। बीजेपी कह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाले हिंदू विरोधी हैं। साथ ही कांग्रेस पर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा चुनाव के समय ही इन्हें मंदिर याद आते हैं। अरे भाई उनकी मर्जी, वो जाए न जाए, 22 तारीख को उद्घाटन होगा ही, कोई इनके न जाने से रुकने वाला नहीं है, तो ये उनका निर्णय है, वो जैसा निर्णय करें जनता देख रही है। वही विपक्षी नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के सुर अपनों पर ही तल्ख हो गए हैं। उन्होंने विपक्षी नेता समेत निमंत्रण ठुकराने वालों के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही ऐसे लोगों को राक्षस तक कह दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक लोग, जो नेता, जो पॉलिटिकल पार्टियां भगवान राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर रही हैं, ये गलत कर रहे हैं, पुनर्विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस ने एक नया विवाद छेड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि शंकराचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न बुलाकर बीजेपी ने हिंदुओं को बांटने की साजिश की है, और विपक्षी नेताओं को शंकराचार्यों के बहाने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने का एक बहाना मिल गया है, या यूं कह दिए कि शंकराचार्य तो बहाना है, अयोध्या नहीं जाना है।